हेलो नमस्कार, वेलकम टू ईशान मथुरा। इस वीडियो में बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट के लिए अगर आप एलएलएम के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो ये आपके लिए लास्ट अपॉर्चुनिटी है। टुडे इज द लास्ट डेट, यानी कि 15 में लास्ट डेट है। आज आप अप्लाई कर लेना, ये इम्पॉर्टेंट है। और इसमें जो है आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है अपने सिलेबस में, कुछ इंपॉर्टेंट ब्रीफ नोट मैं बता देता हूँ, जिससे आपको हेल्पफुल रहेगा अपने प्रिपरेशन में और ईजिली आप ये एंट्रेंस क्रैक कर पाओगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि पहले लास्ट डेट है, अगर आपने अभी तक फिलअप नहीं किया है तो फिलअप कर लो, या आपके कोई फ्रेंड या रिलेटिव जो भी सिक्योरिटी मार्केट लॉ में जो है करियर बनाना चाहते हैं तो उनके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि एक नीस एरिया ऑफर करता है। MNLU मुंबई से टाई अप है, जॉइंटली प्रोग्राम है, तो MNLU की डिग्री आपको मिलेगी यहाँ पे, और वन ऑफ द बेस्ट नीस एरिया है अगर आप जो है सिक्योरिटी मार्केट में फर्दर अपना करियर बनाना चाहते हो तो। और डेट ऑफ एंट्रेंस आपको यूनाइटेड ऑल्सो आपको पता ही होगा, 21 मई को डेट ऑफ एंट्रेंस है। ये सॉफ्टवेयर आपको भेजा जाएगा, वहाँ को इंस्टॉल करना रहता है, उसके बाद अपने लैपटॉप से आप जो है इसको घर बैठे ही एग्जाम दे सकते हो। तो प्रॉपर अपना जो है लैपटॉप प्रॉपर जो है जो भी सॉफ्टवेयर रिलेटेड प्रॉब्लम है वो उसे अपडेट कर लेना, किसी भी तरह का टेक्निकल ग्लिच ड्यूरिंग एग्जामिनेशन फेस ना करना पड़े आपको। अब बात करते हैं आपको सिक्योरिटी मार्केट से रिलेटेड कवर क्या करना है। तो इसमें 5 सेक्शन है, ऑलरेडी अवेयर अबाउट दैट, प्रीवियस वीडियो में आपने देख भी लिया होगा। जुरिसप्रूडेंस, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, कंपनी लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड जो है आपके करंट अफेयर, ये आपके 5 सेक्शन है, जिसमें कंपनी लॉ से 40 क्वेश्चन रहते हैं, बाकी 4 सेक्शन से 20 क्वेश्चन रहते हैं, कि 120 क्वेश्चन आपके रहेंगे और जो है 120 मिनट मिलेंगे, 2 आवर मिलेंगे आपको एंट्रेंस को देने के लिए। निगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपके लिए एक बेनिफिशियल है, ये सारे क्वेश्चन राइट में कर सकते हो। लेकिन हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप जो है एंट्रेंस है इसके लिए थॉरली अगर प्रिपेयर करो तो ईजिली क्रैक कर लोगे, ईजी टू मॉडरेट क्वेश्चन रहते हैं। अब आपको प्रिपेयर क्या करने हैं पर्टिकुलरली, मैं सेक्शन बाई सेक्शन बता दे जाऊंगा आपको। तो सबसे पहले कंपनी लॉ की बात करें, क्योंकि इसका वेटेज भी ज़्यादा है, 40 क्वेश्चन है। तो कंपनी लॉ में बेसिकली आप देखो कंपनी फॉर्मेशन, ये इससे रिलेटेड जो है आप जो है सेक्शन पढ़ लेना, उसके बाद डायरेक्टर रिलेटेड सेक्शन पढ़ लेना, कंपनी फ्रॉड रिलेटेड सेक्शन पढ़ लेना, और शेयर रिलेटेड सेक्शन पढ़ लेना कि किस में डिफाइन किया, IPO रिलेटेड किस में सेक्शन डिफाइन किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना। सेबी कब आया था, किस डेट को आया था, ये देख लेना आप जो है सेबी से रिलेटेड, और जो है कौन रिलेटेड, ये बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, उससे रिलेटेड पढ़ लेना। इस कंपनी लॉ को पढ़ने के साथ साथ बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए कि सिक्योरिटी बेसिकली होता क्या है, किसको हम कहते हैं, लेवरेज क्या होता है, छोटे छोटे जो टर्म है, बोरोइंग क्या होती है, डेट फंड क्या होता है, OFCD क्या होता है, इससे रिलेटेड स्वैप्स क्या होता है, ESOP क्या होता है, तो इससे रिलेटेड टर्म के लिए आप जो है NCERT की 12th की अकाउंटिंग की बुक पढ़ लेना। ऑलरेडी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भेजा हुआ है, वहाँ से जो है आप डाउनलोड भी कर सकते हो, काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। और उसके बाद कंपनी लॉ आप थॉरली प्रिपेयर करोगे तो इजीली आपके लिए क्रैक करना आसान हो जाएगा इस सेक्शन को। जुरिसप्रूडेंस में इंपॉर्टेंट थ्योरी याद कर लेना, सालमंड्स की थ्योरी, ऑस्टिन की थ्योरी, कुछ से स्कूल से बिलोंग करते थे, बेंथम की थ्योरी, डीन रॉस्को पाउंड की थ्योरी, जो सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी दिए थे, ये सब बेसिक आप पढ़ लोगे तो जुरिसप्रूडेंस के क्वेश्चन सॉल्व करने में आसान रहेंगे आपके। इजी टू मॉडरेट है, बहुत डीप नहीं पूछता, तो डोंट वरी अबाउट दैट। और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बेसिकली जो है कॉन्ट्रैक्ट किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है, कंसीडरेशन क्या होता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के सेक्शन क्या है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कब होगा, फ्रॉड रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट, इंडेमनिटी रिलेटेड, बेली और बेलर रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट, ये जरूर एक बार सेक्शन देख लेना और उसमें प्रॉपरली उसका देख लेना डिफिनीशन भी कि कैसे डिफाइन किया है। इसके अलावा अब कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, प्रेसिडेंट रिलेटेड, कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट रिलेटेड आर्टिकल इंपॉर्टेंट हैं, तो उसको आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। और करंट अफेयर में लास्ट 8 to 10 months बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो 10 month तक के करंट अफेयर को जरूर गो थ्रू कर लीजिएगा। उसके अलावा जो है आप RBI रिलेटेड, RBI की वेबसाइट पे जाके बेसिक टर्म्स, कितना इसमें फिस्कल डिफिसिट चल रहा है, GDP का फॉरकास्टिंग क्या है, ये सब देख लीजिएगा, इस समय GDP क्या चल रही है, इंडिया की बैंक कौन कौन से हैं, PSU में कौन कौन से हैं, प्राइवेट बैंक कौन कौन से हैं, रिसेंटली में जो 17 के बाद से मर्जर हुए हैं, 19 में जो मर्जर हुए हैं, ये सब देख लीजिएगा, कौन से किस बैंक में मर्ज हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप देख लीजिएगा। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि करंट जो सिचुएशन अभी चल रहा है, इकोनॉमिक रिलेटेड सिचुएशन चल रहा है, जो वॉर चल रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच, ये सब जो है थोड़ा गो थ्रू कर लीजिएगा कि इकोनॉमिक पे इफेक्ट क्या पड़ रहा है, ऐसे जो है इसके साथ साथ आपके जो है इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन काफ़ी अच्छा रहेगा, इसको आप गो थ्रू कर लीजिएगा। तो और जो है इसके अलावा करंट अफेयर में बजट रिलेटेड सेक्शन पढ़ लीजिएगा जरूर, बजट एक बेसिक जो है ओवरव्यू जान लीजिएगा, कितना बजट एलोकेशन किस सेक्टर के लिए हुआ है, और इसके अलावा जो है बेसिक कितना बजट सेक्टर के लिए अलॉट हुआ है, और जो है स्पेशली फॉर बैंक्स
कि कितना क्या रिफॉर्म आया है, क्या किस तरह के रिफॉर्म की बात की जा रही है, ये सब आप पढ़ लेंगे तो काफ़ी आपको इजी हो जाएगा इस एंट्रेंस को क्रैक करने में। तो ये आपके 5 सेक्शन रहे, पांचों बता दिया है मैंने। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि जो भी मैंने NISM में पढ़ा हुआ है फाइनेंस और सिक्योरिटी लॉ से रिलेटेड, इसके रिगार्डिंग भी अब इस पर वीडियो अपलोड कर दिया करूँगा जो आपके फाइनेंशियल लिटरेसी के नॉलेज गेन करने में हेल्पफुल रहेगा। कोई डाउट होप या आपको प्रॉब्लम पसंद होगा कमेंट आएगा। बॉक्स में कॉन्टेक्ट कर सकते हो, लिंक सारे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।